बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही क्विक, बहुत ही इजी और सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाने वाली रेसिपी मैंगो डिलाइट। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स आप देख लें, दो बड़े साइज़ के आम हैं, 3 प्रिंस चॉकलेट के पैकेट हैं और साथ में 2 क्रीम के पैकेट हैं। जी ये प्रिंस चॉकलेट के जो पैकेट हैं इनको आपने अच्छे से जो है वो क्रश कर लेना है, पाउडर फॉर्म में नहीं आपने कन्वर्ट करना, मोटा मोटा कूट लेना है और आम्स को जो है वो आपने मोटे मोटे जो क्यूब्स हैं उनमें काट लेना है। इस तरह भी आप इनको जिस तरह आप कन्वीनियंट है इस तरह आपने इनको सारे पैकेट्स को इसी तरह आपने कन्वर्ट कर देना है। जी आप देख सकते हैं 2 पैकेट हैं वो मैं डाल चुकी हूँ। ये तीसरा जो पैकेट है इसको आपने हाफ डाल लेना है और हाफ जो है आपने गार्निशिंग के लिए ठीक है बचा लेना है। इसको हम फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए सेट होने रख देंगे, उतनी देर हम अपने जो है वो मैंगो कट करते हैं। जी तो क्रश बिस्किट की जो लेयर है वो फ्रीज़र में हमने सेटल होने के लिए रख दी है और 2 आम जो थे वो उनको क्यूब्स फॉर्म में काट लिया है। अब हमने एक जग लेना है ठीक है, इसमें दोनों क्रीम्स डालनी है। आप किसी भी कंपनी की क्रीम ले सकते हैं और इसमें 2 चम्मच चीनी डाल के 2 टेबलस्पून ये देखिए इसको अच्छे से आपने ग्राइंड करना है। जी तो ये फ्रीज़र से हमने निकाल लिया, देखें ये ट्रे ठंडी है और जो बिस्किट हैं वो सेटल हो चुके हैं। अब इस पर जो हमने ये 2 क्रीम्स जो हैं ग्राइंड की थी 2 चम्मच चीनी के साथ, इनको हमने इस तरह से स्प्रेड कर देना है बिस्किट्स के ऊपर। ये देखें अच्छे से आपने इक्वली जो है इसको स्प्रेड कर देना है। जी तो क्रीम अच्छे से स्प्रेड हो चुकी है, अब इसके ऊपर जो हमने ये मैंगो के क्यूब्स काटे थे इनको आपने अच्छे से सारी क्रीम को इससे कवर कर देना है। मैंगो इसमें अच्छे से सेपरेट हो चुके हैं, फिर हमने गार्निशिंग के लिए बिस्किट बचाया था, वो बिस्किट आपने इसके ऊपर अच्छे से यूँ सेपरेट करके इसको आपने 2 से 3 घंटे के लिए जो है वो चिल करना है। ये चिल होगा तो बहुत इसकी अच्छी लुक बनेगी और बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनेगा। और ये 5 to 6 परसेंट सर्विंग है, अगर आप लोग ज़्यादा गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आप जो है वो क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए और फिर आपको इसकी लुक दिखाएंगे। जी वेलकम बैक, ये 2 घंटे बाद मैंने इसको फ्रीज़र में से निकाला है और ये आप देखें अच्छे से जो है ये देखें फ्रीज हो चुका है ठीक है। अब हम इसको स्लाइस में ये देखें कितना इजीली ये कट हो रहा है। डिश आउट करके दिखाते हैं इसको, ये देखिए इसकी लुक। इसको यहाँ प्लेस करेंगे ठीक है जी, ये बिल्कुल रेडी टू ईट है और बहुत अच्छी इसकी लुक बनी है ये देखिए आप। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना मत भूलें। थैंक यू।